शाहरुख खान से लेकर अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन से लेकर सोनाक्षी सिन्हा तक इन बॉलीवुड स्टार्स के नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अभिषेक, अमिताभ और सोनाक्षी समेत कई स्टार्स के नाम है क्या रिकॉर्ड, और कौन से वो अद्भुत काम को इन स्टार्स ने किया कि दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और इस लिस्ट में पहला नाम है अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, अमिताभ बच्चन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अमिताभ बच्चन ने 19 पॉपुलर सिंगर के साथ में श्री हनुमान चालीसा गाने वाले इकलौते स्टार बनने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इन 19 लोगों में आदेश श्रीवास्तव, अभिजीत, बाबुल सुप्रियो, हंसराज शामिल थे। अशोक कुमार। अपने समय के सबसे सुपरहिट एक्टर अशोक कुमार ने एक नहीं कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अशोक कुमार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है? उन्होंने 63 साल तक बॉलीवुड में काम किया और ज्यादातर फिल्मों में मेन लीड के तौर पर काम किया। इसी लंबे फिल्मी करियर के चलते उनका नाम इस लिस्ट में शुमार है। ललिता पवार। नेगेटिव रोल में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाकर दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस ललिता पवार इस लिस्ट में शामिल है। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री कर ली थी और 70 साल के फिल्मी करियर में 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, और इस बात के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जगदीश राज। लेट एक्टर जगदीश राज, जो एक पुलिस वाले के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, उन्होंने लगभग हर दूसरी फिल्म में एक ही भूमिका निभाई थी। इसी वजह से जगदीश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उनके पास सबसे अधिक टाइपकास्ट एक्टर होने का रिकॉर्ड है। उन्होंने करीब 150 फिल्मों में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई। उनकी कुछ यादगार फिल्मों में जॉनी मेरा नाम, सिलसिला, बोल राधा बोल फिल्में शामिल हैं। आशा भोसले। इस लिस्ट में सिंगर आशा भोसले भी शामिल हैं। अपनी आवाज से दुनिया को अपना दीवाना बनाने वाली आशा जी ने भी इस खिताब को अपने नाम दर्ज कराया है। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में करीब 11,000 से भी ज्यादा गाने गाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कुमार सानू। प्लेबैक सिंगर कुमार सानू, जिनके गाने हर जुबान पर होते हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। साल 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने की वजह से उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कटरीना कैफ। जी हाँ, इस कड़ी में एक नाम कटरीना कैफ का भी है। उनका नाम इस रिकॉर्ड लिस्ट में 2013 में सबसे ज्यादा फीस लेने की वजह से दर्ज हुआ था। तब कटरीना ने एक साल में 63 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे कमाए थे। अभिषेक बच्चन। अपने पापा की तरह ही अभिषेक बच्चन ने भी ये रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है। अमिताभ की तरह ही अभिषेक बच्चन का नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दरअसल फिल्म दिल्ली 6 के प्रमोशन के दौरान अभिषेक ने 12 घंटे में कई जगहों पर जा करके फिल्म का प्रमोशन किया था। सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दरअसल 1325 गर्ल्स के बीच सबसे पहले और सबसे ज्यादा नेल पॉलिश लगाने की वजह से उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने भी यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दरअसल अपनी फिल्म सेल्फी के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अक्षय कुमार ने 3 मिनट में सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के जेम्स स्मिथ के नाम 3 मिनट में 168 सेल्फी लेने के लिए दर्ज था, लेकिन अक्षय कुमार ने 3 मिनट में 184 सेल्फी लेकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर लिया। शाहरुख खान। इस लिस्ट में शाहरुख खान का नाम भी शामिल है। जी हाँ, रिकॉर्ड की बात हो और शाहरुख खान का नाम उसमें शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? शाहरुख खान को साल 2013 में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए थे। उस साल उन्होंने करीब 220 करोड़ रुपए कमाए थे, और इसी वजह से शाहरुख खान का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।